दोस्तों ये बास ट्रबल का बोर्ड है। ये देखिए डबल चैनल जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसका बोर्ड है, क्योंकि ट्रैक्टर के पास जो 400 वाट का एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है उस एम्पलीफायर का ये बास ट्रबल का बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन स्विच हैं, 1 2 3। सबसे फर्स्ट हमारा वॉल्यूम का, दूसरा ट्रबल का, तीसरा बास का। अब एक बार ऐसे देख सकते हैं वॉल्यूम, ट्रबल, बास। अब इनकी वैल्यू क्या है देखिए, सबसे पहले बास की 100 के 100 के 47 के। दोस्तों डबल मोड के स्विच हैं ये देखिए, एक चैनल दूसरा चैनल, एक चैनल दूसरा चैनल, एक चैनल दूसरा चैनल, दो चैनल के हैं टोटल, ये दो चैनल हैं इसमें। अब दोस्तों ये 400 वाट एम्पलीफायर का है, जिस एम्पलीफायर में 5200 और 1943 ऑडियो ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, उन ऑडियो ट्रांजिस्टर के ऊपर इसको बनाया गया है। लेकिन आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सप्लाई इसमें नहीं आती, ओनली पॉजिटिव सप्लाई के ऊपर इस बोर्ड को बनाया है। अब दोस्तों ये देखिए, ये इसमें जो है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। इसका नंबर देखिए क्या है, ये देखिए इसका नंबर है 7805, यानी 7805। ये 7805 है, यहाँ पर हमारी जो बैटरी की सप्लाई होती है वो 12 वोल्ट यहाँ है, 0 वोल्ट यहाँ है, यहाँ पर नेगेटिव। दोस्तों यहाँ से सप्लाई नीचे हमारा कैपेसिटर लगाया गया है, ये देखिए इस कैपेसिटर के द्वारा उस सप्लाई को फिल्टर किया जाता है। ये देखिए 1000 UF 16 वोल्ट। अब इसको फिल्टर करने के बाद ये सप्लाई यहाँ आती है 12 वोल्ट रेगुलेटर की पहली पिन पे, उसके बाद यहाँ से आउट होती है 5 वोल्ट की सप्लाई। नीचे फिर एक कैपेसिटर लगाया गया है देखिए, 330 UF 16 वोल्ट। फिर इस सप्लाई को यहाँ से फिल्टर करने के बाद USB कार्ड को दिया जाता है 5 वोल्ट की सप्लाई। लेकिन दोस्तों 12 और 5 वोल्ट की सप्लाई का यहीं पर काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आगे इस सप्लाई नहीं जाती। ये बोर्ड चलता है टोटल 40 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर। जो प्लस की सप्लाई होती है, हमारा जो 5200 ट्रांजिस्टर है उसके पास जो 40 वोल्ट होती है, उस 40 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर ये टोटल काम करता है, इस पर नेगेटिव वोल्ट नहीं आते। अब दोस्तों सबसे पहले जो हमारी सप्लाई है, जो 40 वोल्ट की सप्लाई यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद यहाँ पर 2K की रेजिस्टेंस है, 2K हो या फिर 2.2K, यहाँ पर 20 वोल्ट रह जाते हैं, 20 वोल्ट के ऊपर ये बोर्ड चलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये कहेंगे ये 12 वोल्ट पे चल सकता है, लेकिन फिलहाल इस ये 20 वोल्ट के ऊपर चल रहा है, 12 वोल्ट पे चलाने के लिए कुछ कंपोनेंट चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए अब 20 वोल्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले जो हमारी ड्राइवर बोर्ड से साउंड आती है वो यहाँ पर आती है लेफ्ट चैनल में और राइट चैनल में, दोनों चैनल में यहाँ पर साउंड आती है। यहाँ पर फ्री सेट लगाया गया है उस साउंड को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ी कम करने के लिए। अगर आपके यहाँ से वॉल्यूम का स्विच पूरा खोलने से अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी फटती है, फिर यहाँ से इस कंट्रोल को घुमा के थोड़ी सी सेट किया जाता है, कम किया जाता है ताकि ना फटे। फिर इससे हम इसको वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं कम ज़्यादा। अब दोस्तों यहाँ से साउंड जो है यहाँ होती हुई इस स्विच से फिर आती है हमारी ये दो रेजिस्टेंस, ये 47K की रेजिस्टेंस हैं लेफ्ट चैनल और राइट चैनल की। अब देखिए, अब इसके अलावा और कंपोनेंट्स देखिए, दो ये और दो ये, 4 जो हैं हमारे कैपेसिटर हैं, 4 ये कैपेसिटर हैं। अब इनकी एक बार आपको वैल्यू थोड़ा दिखाते हैं, ये देखिए 332J 630 वोल्ट, ये 4 के 4 332J 630 वोल्ट के हैं। इसके अलावा अब इनकी बात करते हैं, ये भी 4 हैं, इनका जो नंबर है ये देखिए क्या है, 0.022J 63 वोल्ट। ये देखिए 4 ही एक वैल्यू के हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारे हैं कैपेसिटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, इनका नंबर देखिए किस नंबर के हैं, 1 UF 63 वोल्ट। ये देखिए 1 UF 63 वोल्ट के 4 हैं। अब दोस्तों इन सभी पार्ट का नंबर दिखाते हैं आपको क्या नंबर है। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखिए 1K, ये देखिए
1K 15K 15K, अब देखिए 18K 18K, फिर ये आ जाती है हमारी 15K 15K। अब इसके बाद देखिए ये हमारे ट्रांजिस्टर 548 548 548 548 548 सभी सेम नंबर के हैं। यहाँ पर आप 547 भी लगा सकते हैं, 547 और 548 एक ही नंबर के होते हैं। अब ये रेजिस्टेंस देखिए, इसका कलर कोड भी देख सकते हैं आप, नंबर भी देख सकते हैं। देखिए 8.2K की, ये 8.2K की, ये 1 मेगा ओम की, ये फिर 8.2K की, ये 1 मेगा ओम की, ये 2.2K की। अब इन पे आते हैं, ये 100 ओम की दोस्तों, ये 100 ओम की है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के नीचे लिखा है 100K, असल में ये 100K की नहीं है, ये 180K की है, यानी कि 180K की रेजिस्टेंस ये है, उसके ऊपर ये है 100 ओम की, फिर ये 180K की रेजिस्टेंस लगाई गई है, लेकिन असल में इसके नीचे कुछ और लिखा है, इसलिए आप नीचे ना देखें, रेजिस्टेंस देखें 100K की नहीं है, 180K की रेजिस्टेंस ये है, 180K की रेजिस्टेंस ये है। अब यहाँ देखते हैं कुछ, अब देखिए, अब एक बार थोड़ा आप कलर कोड भी इनका देख सकते हैं क्या कलर कोड है। देखिए 100K लिखा है लेकिन 180K की है, ये भी 180K की है, इसके ऊपर 22K की, 180K की, 22K की, देखिए बाकी सभी रेजिस्टेंस ठीक नंबर की लगाई गई हैं, लेकिन 4 रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस एक चैनल में, 100K की जगह 180K की यूज की है। अब दोस्तों इसका आपको दिखाते हैं डायग्राम। अब थोड़ा नीचे से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से साउंड यहाँ जाती है हमारी दोनों चैनल के, जो वॉल्यूम स्विच है, ये हमारा जो 2 पिन है ग्राउंड से टच है, ये ग्राउंड है हमारा, ये देखिए ग्राउंड होता हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर ये ग्राउंड है सारा, यहाँ से साउंड हमारी बिल्कुल अंदर जाती है सभी ट्रांजिस्टर में, यहाँ से फिर हमारी लेफ्ट चैनल और राइट चैनल में आउट हो जाती है, यहाँ से हमारी साउंड USB कार्ड या फिर ऑक्स का जो सॉकेट होती है, या फिर कहीं में DVD की सॉकेट होती है, उनमें यहाँ से हमारी जो है साउंड जाती है। अब इसका दिखाते हैं आपको डायग्राम। अब दोस्तों ये इसका डायग्राम है, देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी साउंड का सिग्नल है यहाँ से अंदर जाता है, ये देखिए सबसे पहले GND, नीचे ये GND है हमारा, यहाँ पर वही फिल्टर लगा है सेम 680K का, 680 UF 35 वोल्ट का जो फिल्टर नीचे लगाया गया है, ये देखिए ये मेन सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, ये देखिए 680 UF 35 वोल्ट का, क्योंकि जो 20 वोल्ट की सप्लाई है इसी के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है, ये देखिए रेजिस्टेंस के बाद। अब दोस्तों ये हमारी सप्लाई 40 वोल्ट की यहाँ से 20 वोल्ट के करीब रहती है, ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर में सप्लाई जाती है, ये रेजिस्टेंस 180K की, ये भी रेजिस्टेंस 180K की। अब यहाँ से हमारी जो सिग्नल है वो अंदर जाता है 547 के कलेक्टर पे, ये आप देख सकते हैं एमीटर बेस कलेक्टर हमने लिखा है, उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, कलेक्टर पे जाती है, यहाँ पर साउंड हैवी साउंड पैदा होता है, ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ से साउंड फिर जो होता हुआ ठीक आगे ट्रांजिस्टर इन जो स्विच के बीच में से घूमता हुआ हमारा साउंड जो है आगे यहाँ पर आता है, यहाँ से देखिए इसके एमीटर पे आता है, एमीटर के पास जो 22K की रेजिस्टेंस लगा के उसको ग्राउंड किया गया है, लेकिन ये सिग्नल फिर हमारे जो है बेस से आउट होता है, बेस से यहाँ से सिग्नल फिर हमारे USB कार्ड के पास जाता है। देखिए 400 वाट एम्पलीफायर का बास ट्रबल का बोर्ड। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।